दोस्तों आज मैं आपको इंडियन क्रिकेटर टीम के काफी माने जाने वाले प्लेयर मोहम्मद शमी के पूरी लाइफ के बारे में शुरू से बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि आपको मोहम्मद शमी के बारे में कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है, क्योंकि मोहम्मद शमी इंडियन क्रिकेटर टीम के टॉप 5 बॉलर में से एक हैं और साथ ही साथ मोहम्मद शमी काफी चर्चाओं में भी रह चुके हैं। इसीलिए आज मैं आपको उनके पूरी लाइफ के बारे में शुरू से बताने जा रहा हूँ कि मोहम्मद शमी की बचपन कैसी थी और यहाँ तक कि उनकी सफर कैसे हुई। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं मोहम्मद शमी की बायोग्राफी के बारे में। दोस्तों मोहम्मद शमी का जन्म यूपी के अमरोहा नाम के गांव में 1990 को एक गरीब परिवार में हुआ था और उनके पिता एक किसान थे जिनका नाम तौसीफ अली था, जो कि वो भी कभी अपने जवानी के समय में एक फास्ट बॉलर रह चुके थे। और इसी के साथ शमी के 3 भाई और एक बहन भी थी। और जब शमी 15 साल के थे तो उनके खेलते समय उनके पिता ने ये देखा कि शमी के अंदर बॉलर बनने की क्षमता है, जिस वजह से उनके पिता ने शमी को अपने घर से 22 किलोमीटर दूर मोरादाबाद एक क्रिकेट कोच के पास ले गए जिनका नाम बद्रुद्दीन सिद्दीकी था। और जब बद्रुद्दीन सिद्दीकी ने मोहम्मद शमी को 15 साल की उम्र में बॉलिंग करते हुए देखा तो वो भी हैरान के हैरान रह गए थे और उन्होंने ठान लिया कि शमी को एक प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेनी है, क्योंकि मोरादाबाद जैसे शहर में प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए कोई क्रिकेट क्लब नहीं होते थे। लेकिन फिर भी कैसे न कैसे करके शमी के कोच ने शमी को खूब प्रैक्टिस करवाया और चाहे जो भी हो शमी को हर रोज प्रैक्टिस करना ही करना पड़ता था। और उनके कोच ने शमी को 1 साल के अंदर ही यूपी अंडर 19 ट्रायल के लिए एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार कर दिया था। और जब अंडर 19 ट्रायल हुआ तो शमी ने अंडर 19 के ट्रायल में बहुत अच्छे तरीके से बॉलिंग किया, लेकिन शमी के साथ पॉलिटिक्स खेल दिया गया और शमी के कोच ये बात साफ साफ समझ गए थे और उन्होंने शमी के पिता से साफ साफ वर्डों में ये बोल दिया कि अगर आप अपने बेटे को कुछ बड़ा करना देखना चाहते हैं तो इसको तुरंत का तुरंत कोई बड़े शहर में भेज दीजिए, क्योंकि छोटे शहर वाले लोगों की कोई इज्जत तो होती नहीं है और खासकर जब क्रिकेट सिलेक्शन की बात होती है तो छोटे शहर वालों को कोई पूछता भी नहीं है और टैलेंट की तो बात ही दूर है। और इसीलिए उनके कोच ने शमी को कोलकाता भेज देने को बोला और कहीं ना कहीं उनके पिता भी ये सब दिन अपने समय में देख चुके थे, इसलिए उन्होंने शमी को 2005 में कोलकाता भेज दिया। और मोहम्मद शमी कोलकाता में एक क्रिकेट क्लब के लिए खेला करते थे जिसका नाम द डलहौसी एथलेटिक क्लब था। और एक बार की बात है, जब शमी प्रैक्टिस कर रहे थे तब कोलकाता के क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के फॉर्मर असिस्टेंट सेक्रेटरी देवव्रत दास जी ने जब शमी को बॉलिंग करते हुए देखा तो वो इतना प्रसन्न हुए कि उनके प्रसन्नता का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और उन्होंने ये देखा कि शमी को कोलकाता में रहने और खाने के लिए कोई इंतजाम नहीं था, जिस वजह से उन्होंने शमी के लिए रहने खाने और पीने के लिए पूरा का पूरा इंतजाम अपने ही घर में करवा लिया और साथ ही साथ उन्होंने शमी को अपने क्रिकेट क्लब में बुला लिया था जिसका नाम टाउन क्लब था। और अब से शमी टाउन क्लब की तरफ से खेला करते थे और उनके कोच देवा ब्रदास जी शमी को ट्रेनिंग में दिया करते थे। और एक बार की बात है कि शमी बंगाल अंडर 22 टीम के लिए ट्रायल पे गए हुए थे और वहाँ पे भी शमी ने बहुत अच्छी वेल परफॉर्मिंग बॉलिंग किया, लेकिन इस बार भी शमी को राजनीति के कारण बंगाल अंडर 22 टीम से रिजेक्ट कर दिया गया। और इस बार शमी के कोच शमी को लेकर सीधे समर्पण बनर्जी जी के पास लेके चले गए, जो कि वो एक सेलेक्टर थे, मतलब कि प्लेयर को टीम में खुद सेलेक्ट किया करते थे। और जब उन्होंने भी शमी के बॉलिंग को देखा तो वो भी शमी के बॉलिंग से काफी खुश हुए, जिस वजह से उन्होंने खुद शमी को बंगाल अंडर 22 टीम के लिए सेलेक्ट कर लिया। और मोहम्मद शमी की जर्नी कुछ ऐसे ही चलती रही और कुछ समय बाद कोलकाता के ईडन गार्डन में सौरव गांगुली आए हुए थे और शमी को मौका मिला कि वो सौरव गांगुली को बॉलिंग करें। और जब उन्होंने सौरव गांगुली को बॉलिंग किया तो सौरव भी शमी की बॉलिंग स्किल से काफी खुश हुए और उन्होंने मैच सेलेक्टर को जाकर स्पेशली ये बोला कि वो शमी का ध्यान खास करके रखें। और बस यहीं से शुरुआत होती है मोहम्मद शमी की इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर की लाइफ। और मोहम्मद शमी ने 2011 में कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से इंटरनेशनल कैरियर में इंटर किया था और 6 जनवरी 2013 को उन्होंने वनडे इंटरनेशनल कैरियर में अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, जिसमें कि उन्होंने अपने पूरे के पूरे 9 ओवर में 1 विकेट लेकर सिर्फ 23 रन दिया था और यहाँ तक कि उन्होंने 4 ओवर मैडन भी किए थे, जो कि वो मैच इंडिया सिर्फ 10 रन से जीती थी। और उन्होंने अपनी लाइफ का पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था जिसमें कि उन्होंने 5 विकेट लिए थे।